Hello students, Gulliver Travels, Part 1, Chapter 6. इस चैप्टर में हमको गुलीवर ने पूरा लिलीपुट का वर्णन किया है, मतलब कि वहाँ की जो माहौल है, वहाँ की जो प्रकृति है, वो किस प्रकार से है, वो हमें इस चैप्टर में बताया गया है। लिलीपुट का वर्णन। गुलीवर ने जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं का बड़े सजीव ढंग से वर्णन किया है, मतलब कि वहाँ के जो इंसान है, प्राणी है, पौधे हैं, वृक्ष है, वहाँ पे कैसे है, वो हमें यहाँ से इन डिटेल बताया है। देशवासियों का आकार 6 इंच से भी कम लंबा था। पशुओं, वृक्षों और पौधों का आकार इंसानों के जैसा था। उदाहरण के लिए सबसे ऊंचे घोड़े और बैल 4 या 5 इंच लंबे थे। सबसे ऊंचे वृक्ष लगभग 7 इंच ऊंचे थे। मतलब कि गुलीवर ने इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि वहाँ के एनिमल्स, ट्रीज और बैलगाड़ियाँ और देशवासी कैसे लगते हैं, मतलब कितने इंच के हैं, वो हमें बताया है। आगे बताया है कि उनकी लिखावट यानी कि उनकी राइटिंग कैसी थी, वो किस मतलब जो लैंग्वेज बोलते थे, तो वो लैंग्वेज में उनकी अजीब सी लिखावट थी। उनका लिखने का तरीका बड़ा अजीब था। ना तो वे यूरोप वालों की तरह बाएं से दाएं लिखते थे और ना ही अरब वालों की तरह दाएं से बाएं, चीन वालों की तरह या ऊपर से नीचे भी नहीं लिखते थे। उनकी लिखाई तिरछी थी तथा वे पेपर के एक कोने से दूसरे कोने तक लिखते थे। अजीब मतलब गुलीवर कहना चाहता है कि यहाँ पे जो उनकी लिखावट है वो अलग ही है, जैसे कि यूरोप के साथ भी मैच नहीं होती, चीन वालों के साथ भी नहीं मैच होती। उन लोगों की कुछ अलग प्रकार की यही लिखावट है, यानी कि जो भी कुछ वो लिखते थे वो एक पेपर के एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने तक लिखते थे। अब आगे बताया है कि दफनाने की क्रिया, यानी कि जब वो आदमी वहाँ पे गुजर जाता है, मर जाता है, तब वहाँ पे कैसी क्रिया होती है। वे अपने मुर्दों को उनका सिर नीचे करके दफनाते थे, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि 11,000 चंद्रमाओं में उनका जन्म फिर होगा, उस वक्त जमीन उलट जाएगी, परिणाम स्वरूप वे सीधे खड़े मिलेंगे। मतलब वो लोग ये सोच रखते थे कि 11,000 चंद्रमाओं में उनका फिर से जन्म होगा, इसलिए यहाँ वहाँ पे दफनाने की विधि कुछ अलग प्रकार की थी। अब आगे बताया है कि सजा और इनाम वहाँ के कैसे रूल्स थे, मतलब पनिशमेंट के और इनाम देने के कैसे रूल्स थे। तो मतलब लिलीपुट राज्य के खिलाफ सारे अपराध पूरी कठोरता से निपटे जाते थे। वे धोखाधड़ी को चोरी से बुरा अपराध मानते थे, यानी कि किसी को धोखा देना वो चोरी से ऊपर मानते थे कि उससे चोरी से भी ऊपर जो बड़ा गुनाह है वो है किसी को धोखा देना। उनका सजा तथा इनाम का सिद्धांत बड़ा अनोखा था। एक व्यक्ति यदि यश सबूत दे दे, यानी कि कोई प्रूफ दे दे कि उसने कानून का पालन किया है, तो उसे कुछ विशेष अधिकार और नगद यानी कि कुछ पैसे इनाम में मिलते थे। कि कोई अगर प्रूफ कर दे कि मैंने ये जो लिलीपुट का जो रूल्स है वो मैंने फॉलो किया है, मैंने तोड़ा नहीं है, तो उसके बदले में उनको कुछ पैसे वगैरह या इनाम कुछ दिया जाता था। इस तरह के व्यक्ति को स्नीलपेल या वैधानिक की उपाधि मिलती थी, मतलब कि कुछ अच्छे सी पोस्ट, जैसे हम सोचते हैं कि मतलब कुछ अच्छा वाला नाम उसको दिया जाता था जो उसके नाम के साथ जुड़ जाती थी। अब आगे गुलीवर ने बताया है कि नैतिकता के प्रति विचार, उन लोगों के विचार कैसे थे। वे अच्छी नैतिकताओं को योग्यताओं की तुलना से ज़्यादा इज्जत देते थे।
कृतज्ञता करने वालों को फांसी दे दी जाती थी, मतलब जो क्रूर होते हैं, क्रूर आदमी होते हैं वहां पे कोई क्राइम करते हैं और, तो उन लोगों को सीधी फांसी दी जाती थी। किसी दैवी प्रावधान में अविश्वास के कारण कोई भी व्यक्ति किसी जन स्थान को अपने आप के काबिल नहीं था। वास्तव में रस्सी नृत्य द्वारा बड़े ओहदे लेने की कुप्रथा या फिर छड़ियों के ऊपर से कूदने या उनके नीचे रेंगने से समर्थन तथा पहचान बनाना कुप्रचलन थे तथा नौकरी में रखे जाने के अनुचित तरीके थे। मतलब कि वहाँ के जो तौर तरीके थे वो कुछ कंपटीशन करी जाती थी और उस कंपटीशन में उन लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ता था, तब जाके उनको कुछ ओहदे मिलते थे और नौकरी मिलती थी। मतलब ऐसे विचार शैली और वहाँ के थोड़े रीति रिवाज अलग थे। अब आगे लिलीपुट की शिक्षा प्रणाली, यानी कि यहाँ वहाँ टीचिंग कैसा था, पढ़ाई कैसी थी। तो बताया है कि माता पिता तथा बच्चों के कर्तव्यों के विषयों में उनके विचार हमसे अलग थे। एक बच्चे का अपने पिता या माता के प्रति उसे इस दुनिया में लाने के एवं में कोई नैतिक दायित्व नहीं था। उनके विचार में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता पर विश्वास नहीं की जा सकता। मतलब कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, ऐसा ट्रस्ट वो वहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने हर कस्बे में पब्लिक नर्सरी बना रखी थी। मतलब छोटे छोटे जो क्राउडेड एरिया होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी जो झोपड़पट्टियाँ होती है वहाँ पे उन लोगों ने पब्लिक नर्सरी बनाई हुई थी। मजदूरों और झोपड़पट्टी वासियों को छोड़कर सभी माता पिताओं को अपने बॉयज और गर्ल्स दोनों को नर्सरी में भेजना जरूरी था। मतलब वहाँ पे कंपलसरी था कि आपका लड़का है या लड़की है, जो भी है, आप लोगों को वहाँ नर्सरी में भेजना है। दैविक मूल्य जैसे कि न्याय, साहस, विनम्रता, क्षमा, धार्मिक विश्वास तथा राष्ट्र प्रेम बच्चों के मन में बैठाए जाते थे। यानी कि साहस है, विनम्रता है और धार्मिक विश्वास और राष्ट्र के प्रति प्रेम जैसे मुद्दे पर बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। यह राज्य की जिम्मेदारी थी, ना कि माता पिता की। झोपड़पट्टी वाले तथा मजदूर अपने बच्चों को घर पर रखते थे। क्राउडेड एरिया वाले, मतलब कि जो गरीब है एकदम, वो लोग अपने बच्चों को घर पे रखते थे। उनका काम सिर्फ जमीन पर खेती करना था। मतलब कि वो जब साथ में जाते थे तब अपने बच्चों को, जैसे हम देखते हैं कि वो तो अब हर जगह पे होने लगा है, तो मतलब वैसे ही कि जब वो जाते हैं तो साथ में अपने बच्चों को ले जाते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए शिक्षा महत्वहीन मानी जाती थी। राज्य में कोई भी भीख नहीं मांगता था। मतलब कि हर लोग है जो कमा के खाते थे, जो भी अपना तरीके से कर सके और पा सके उतने पैसे कमा कर वो खाते थे। मतलब कि वहाँ पे कोई भीख नहीं मांगता था लिलीपुट में। आगे गुलिवर ने कहा है कि फिल्मनाब का शत्रु भाव, यानी कि एनिमीज का वो जो भाव है वो कैसा था। तो लिलीपुट के सम्राट ने गुलिवर को मैसेज भेजा कि वह और उसके परिवार वाले उसके साथ खाना खाएंगे। फिल्मनाब की भी सम्राट के साथ था। गुलीवर को पता था कि फ्लैनप उसका छुपा हुआ शत्रु था। उसने सम्राट को खजाने की खराब हालत का वर्णन किया। यही यही कि उसका ज्यादा कमीशन पर धन लाना पड़ता था तथा खजाने के 9% कम चलेंगे, जो कि मूल्य से कम है, और यह कि मैंने राजा के 15 लाख स्प्रक्स खर्च कर दिए हैं। उसने सम्राट को उसके सुझाव को बिना दोबारा सोचे गुलीवर को तुरंत
बर्खास्त करने की सलाह दी। अब आगे जैसे गुलीवर को एक्सपीरियंस हुआ कि गुलीवर को षड्यंत्र के जाल में फंसाया गया, तो डिटेल देखते हैं कि गुलीवर ने सुना कि उसका नाम फिल्मनब की पत्नी के साथ षड्यंत्र में जोड़ा जा रहा है। फिल्मनब ने अपनी पत्नी से भी घृणा करनी शुरू कर दी, लेकिन गुलीवर ने अपनी निष्कपटता बड़ी आश्चर्यजनक एवं आसानी से सिद्ध कर दी, क्योंकि उसका फिल्मनब की पत्नी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसको तो वो षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था। परिणाम स्वरूप फिल्मनब ने अपनी पत्नी के पति प्रति शत्रु भाव कम कर दिया, लेकिन वह गुलीवर से घृणा करता रहा, क्योंकि वो उसके साथ वो वही सोचता था कि गुलीवर है वो ऐसा है। तो ये इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी तरह से वहाँ लिलीपुट के वासियों की शिक्षा प्रणाली को बताया, शत्रु भाव को भी बताया, वहाँ दफनाने की विधि को बताया, लिखावट के बारे में, सजा मतलब कि वहाँ के पनिशमेंट और इनाम देने की क्या रूल्स रेगुलेशन है वो सब बताया इसमें।